नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं नई क्लास। ये थर्ड पार्ट है हमारे प्लांट किंगडम का। हम आपको पढ़ा रहे थे प्लांट किंगडम, हम बात कर रहे थे प्लांट किंगडम की। तो प्लांट किंगडम की चर्चा कर रहे हैं और उस पे हम आपको विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आपके साथ चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो तीन बैच है हमारी, एक है टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी, तीन का ये कॉम्बो बैच है जिसकी मेंबरशिप 1199 है। इसमें आपको सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, थ्योरी सारी क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा इसमें आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होगा, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होगा, और इसके अलावा आपको डिस्कशन डिस्कशन भी अवेलेबल होगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा 1199 पे। और यदि आप टीजीटी और पीजीटी का कॉम्बो बैच लेना चाह रहे हैं पीजीटी का, तो वो केवल 999 का है। और यदि आप केवीएस और प्लस जीआईसी का कॉम्बो बैच लेना चाह रहे हैं, केवीएस के एग्जाम के बाद जब तक यूपी में जीआईसी का नहीं हुआ तब तक रहेगा, और ये 1099 का है। आज ही जुड़े, इसमें भी आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन, सारी थ्योरी क्लासेस सब में मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, पूरी लाइब्रेरी मिलेगी, बुक्स मिलेंगी, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा तीनों बैचों में। उसके अलावा संडे को प्रैक्टिस सेट आता है, रात में डेली डिस्कशन किया जाता है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। आज ही करें, तुरंत करें, जितनी जल्दी जुड़ेंगे। यदि आप पीजीटी का और टीजीटी का यूपी का अगर फॉर्म डाल रखे हैं तो तुरंत जुड़ें, क्योंकि अभी यूपी में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम 2 से 3 माह तक लग सकते हैं, कभी कहो 4 माह बाद ही एग्जाम हो, तो ये संभावना है कि 2-3 माह बाद होगा, तब तक आपकी हम तैयारी करा देंगे। तो आज ही जुड़ें, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तब भी जुड़ें। और इसके पहले आपने देखा था कि पीजीटी में लगभग 35 लोगों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ था, टीजीटी में 21 वाले में 2021 वाले में 70 लोग सिलेक्ट है, और टीजीटी जो 16 वाला है 2016 वाला, उसमें लगभग 35 लोग सिलेक्ट हैं, बहुत सारे लोग जीआईसी में सिलेक्ट हैं। तो आज ही जुड़े। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप्ड अंडर फिनेरोगैमस, कहता है कि इनमें से जो पौधे दिए हैं इनमें से कौन सा ग्रुप फिनेरोगैमस के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो प्राय फिनेरोगैमस के अंतर्गत आता है। फिनेरोगैमस में कौन से पौधे होते हैं, तो फिनेरोगैमस में प्राय एक चीज ध्यान रखिएगा, सीडेड प्लांट होते हैं। कौन से? सीडेड प्लांट होते हैं। सीडेड प्लांट का मतलब क्या होता है? बीज वाले पौधे होते हैं, बीज वाले पौधे होते हैं। तो बीज वाले पौधे क्या है? एंजियोस्पर्म, जिसको हम आवृत बीजी के नाम से जानते हैं, आवृत बीजी के नाम से जानते हैं। और जिम्नोस्पर्म को किसके नाम जानते हैं? अनावृत बीजी, अनावृत, अनावृत बीजी के नाम से, अनावृत बीजी होता है, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी के नाम से जानते हैं। तो अब ये दोनों बीज देने वाले पौधे हैं, और दोनों में अंतर क्या होता है? जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनके कवर्ड सीड पाए जाते हैं, अर्थात बीज पर खोल पाया जाता है, या कह सकते हैं फ्रूट पाया जाता है। जबकि इनमें जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सीड विदाउट विदाउट कोट होते हैं, अर्थात अवावरण विहीन होते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रायः करेक्ट है? तो उसने दिया है, इन इक्विसीटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। कहता कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इन गिंगो, ध्यान रखिएगा, इन गिंगो द मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, द स्पोरोफाइट इन रेक्सिया मोर डेवलप्ड देन दैट पॉलीट्राइकम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉलवॉक्स इज द आइसोगैमस, ये दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है, ए बी सी डी, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से हम ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? तो ऑप्शन सही करेंगे ए को। किसको सही करेंगे? ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लोरोफिल
एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन स्पोर्स। कहता है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट प्राय किसके स्पोर में देखने को मिलता है? क्लोरोफिल तथा क्लोरोप्लास्ट प्राय किसके स्पोर में देखने को मिलता है? तो लाइकोपोडियम में ये प्राय कंडीशन देखने को मिलती है कि उनके जो स्पोर होते हैं उनमें प्राय क्लोरोफिल क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दोनों के दोनों पाए जाते हैं। कहने के क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट तो है लाइकोपोडियम। एजोला क्या होता है? इसे वाटर फ्रंट के नाम से जानते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट के नाम से इसको जानते हैं। मार्सिलिया, मार्सिलिया की खास पहचान होती है क्रॉस लाइक इसमें लीफ होती हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या पाया जाता है, यहाँ इसके आधार पर कुछ विशेष संरचनाएं स्पोरोकार्प पाई जाती है, स्पोरोकार्प देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है साइकस एंड गिंगो आर रिगार्डेड एज प्रिमेटिव जिम्नोस्पर्म बिकॉज। कहता है जो साइकस और गिंगो बाइलोबा है रिगार्डेड एज प्रिमेटिव जिम्नोस्पर्म बिकॉज, ये सबसे प्रिमेटिव क्यों माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या सही करेंगे, दे आर लिविंग फॉसिल। तो जब आपसे जिम्नोस्पर्म में लिविंग फॉसिल की बात करें, किसकी बात करें, लिविंग फॉसिल्स की, तो इसके दो ही लिविंग फॉसिल्स होते हैं, एक गिंगो बाइलोबा होता है और दूसरा साइकस, ये दोनों के दोनों लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लैजिलेट एंड मोटाइल स्पोर इन एल्गी इज नोन एज। कहता है जो फ्लैजिलेट मोटाइल स्पोर एल्गी के होते हैं, जो हमारे एल्गी होते हैं, और एल्गी के जब रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन में जो मोटाइल स्पोर होते हैं, ऐसे स्पोर जो चल सकते हैं, और इनका चित्र कैसा होता है कुछ इस तरीके से होता है ये ऐसे, तो यहाँ इस तरह से फ्लैजिला दिखाई देते हैं जिनको हम जू स्पोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, जू स्पोर। तो ऑप्शन सी सही होगा, जू स्पोर। इकाइनिड्स क्या होता है, इकाइनिड्स क्या होते हैं, कुछ एल्गी क्या करते हैं अपने चारों ओर प्रोटोप्लाज्म को एकत्रित कर देते हैं और उसके चारों कई सारे आवरण का निर्माण कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसको प्राय, इस कंडीशन को प्राय हम किसके नाम से जानते हैं, जब चारों ओर हो जाता है तो इसको प्राय हम इकाइनिड्स के नाम से जानते हैं। इकाइनिड्स जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन बनते हैं, अन फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं, परिस्थिति में बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं, परिस्थिति गलत लिखा है, परिस्थिति में बनते हैं। इंडोस्पोर क्या होता है, जो अंदर स्पोर बनते हैं इंडोस्पोर बोलते हैं। अप्लाइनोस्पोर क्या होते हैं, जो नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, वो नॉन मोटाइल स्पोर को प्रायः एप्लाइनोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है द हैप्लॉइड एंड थैलस लाइक प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स है। जो हैप्लॉइड और थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, हैब क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, नहीं, रूट लीफ एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ट्रू रूट स्टेम लीव्स। तो इसमें सही क्या करेंगे 52 में, तो 52 में क्या सही करेंगे, लीफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द हैप्लॉइड एंड थैलस लाइक प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स हैव, तो इसमें कहता है जो हैप्लॉइड हो, थैलस लाइक प्लांट बॉडी हो, ऑफ ब्रायोफाइट्स हैव, उसमें क्या पाए जाते हैं, इसका मतलब ये कहने का है। तो ब्रायोफाइट पजेस रूट लीफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दे नोट पजेस टू रूट, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन ये तो सही होगा, मगर इसमें ट्रू रूट्स का अभाव होता है, ध्यान रखिएगा, ट्रू रूट्स, रूट्स अब्सेंस होती है इसमें। ये भी तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू संरचना, मगर इतने जटिल भी संरचना नहीं बनाते हैं। ऑप्शन बी सही है, मगर ट्रू रूट्स अब्सेंट होती है, तो ऑप्शन इसका बी सही करेंगे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूजन भरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पायरोगायरा इंक्रीजेस इट्स बॉडी लेंथ बाय द डिवीजन ऑफ, जो स्पायरोगायरा होता है वो अपनी बॉडी लेंथ को किस प्रकार से इंक्रीज करता है। इन स्पायरोगायरा कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअली, ईच सेल ऑफ द प्लांट बॉडी द कैपेबल द डिवीजन द इंक्रीज द बॉडी लेंथ। तो ऑप्शन क्या होगा, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, प्रत्येक सेल क्या करती है, डिवीजन करती है और वो अपनी लेंथ में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द वन इज ए पैरासाइट, इनमें से एक परजीवी कौन है, इनमें से परजीवी प्रायः कौन है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से सिफिलियूरस है जिससे रेड रस्ट रोग होता है, क्या होता है, रेड रस्ट ऑफ टी, ऑफ टी, ये रोग किसके द्वारा होता है, सिफेल्यूरस के द्वारा होता है, सिफेल्यूस विरसेंस मेंबर के द्वारा होता है, रेड रस्ट ऑफ ट्री में देखने को मिलता है। तो पैरासाइट एल्गी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि पैरासाइट एल्गी कौन है। एल्गी एक्चुअली में जितने भी एल्गी होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है श्व पोषी होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, इसमें से हमें छांटना है। तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन होता है, तो प्रायः ब्रायोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। और ब्रायोफाइट्स में यहाँ कौन सा दिया है, तो ब्रायोफाइट्स में स्फैग्नम दिया हुआ है, क्या दिया है, स्फैग्नम। ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लीवर वर्ड्स ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए स्पेशलाइज्ड अगर स्ट्रक्चर की, अच्छा ये ब्रायोफाइट तो दिया है, सॉरी स्फैग्नम नहीं करेंगे फिर इसको, ब्रायोफाइट्स करेंगे, दिया है नीचे इसको हटा दो, ये करेंगे, ब्रायोफाइट्स दिया है तो फिर स्फैग्नम नहीं करेंगे। ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ लीवर वर्ड द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो गैमी आते हैं, क्या आते हैं, गैमी आते हैं। मोनोकॉटिलेडंस एंड डाइकॉटिलेडंस किसमें देखने को मिलते हैं, मोनोकॉटिलेडंस और डाइकॉटिलेडंस, ये एंजियोस्पर्म के लक्षण है, किसके लक्षण है, एंजियोस्पर्म के हैं, तो ऑप्शन ये करेंगे। ए प्लांट विच हैज कैपेसिटी होल्डिंग द वाटर, किसमें सबसे ज्यादा पानी सोखने की क्षमता होती है, तो इस स्फैग्नम में होती है, जिसे बॉग मास के नाम से जानते हैं, तो आएगा ऑप्शन ये इनका क्रम है, आप अपने हिसाब से मैच करा लीजिएगा। देखिए पहले में कौन आएगा, पहले में आएगा थर्ड, दूसरे में क्या आएगा, लीवर वर्ट में फोर्थ, मोनोकॉटिलेडंस डाइकॉटिलेडंस में एंजियोस्पर्म, ए प्लांट विच हैज कैपेसिटी होल्डिंग द वाटर, तो वो आएगा स्फैग्नम, ये इनका क्रम, अब बकाया आपको आंसर उसी हिसाब से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी अकर बाय, कहता है जो कायिक जनन है, ध्यान रखिएगा ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, सॉरी ग्रीन एल्गी में, किसमें, क्लोरोफाइसी में, ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी में आता कौन है, तो आते हैं क्लोरोफाइसी के सदस्य, क्लोरोफाइसी के सदस्य आते हैं, क्लोरोफाइसी के। तो कहता है ग्रीन एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो 56 में हम ऑप्शन सही क्या करेंगे, तो 56 में होगा डी, बी और सी दोनों, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर के द्वारा होता है, तो बी और सी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी सही करेंगे। फिर कहता है अगर अगर इज ऑप्टेन फ्रॉम, तो जिगार्टिना, जिलेडियम, ग्रेसिलेडिया, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ दिए हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, इसीलिए इसे 3G बोलते हैं, अगर अगर जो निकाला जाता है वो 3G से निकाला जाता है, ये फार्मूला होता है अगर अगर का 3G, यानी जिगार्टिना, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ये तीनों से ही अगर अगर प्राप्त किया जाता है, अगर अगर सौंदर्य प्रसाधन में प्राय कल्चर कराने में, कल्चर मीडियम तैयार करने में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, अगर अगर का, और ये प्राय किससे प्राप्त करते हैं, तो ये प्राय रेड एल्गी से प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, रेड एल्गी या लाल शैवाल से इसको प्राप्त करते हैं।
रीड केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरिडोफाइट, कहता है ये स्टेटमेंट कुछ दिए हैं टेरिडोफाइट के बारे में, कहता है उनको केयरफुली पढ़ना है और बताना है। दे आर यूज इन मेडिसिनल पर्पस, दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन ऑन ऑर्नामेंटल, दे आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस, दे प्रोड्यूस स्पोर रेदर देन सीड्स, दे आर यूज एज सॉइल बाइंडर्स। तो इसमें से क्या सही होगा? तो ये सही है, इनके कुछ मेडिसिनल पर्पस हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम से होम्योपैथ की दवा लाइकोपोडियम प्राप्त होती है, ग्रो इन ऑर्नामेंटल भी उगाए जाते हैं, कार्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस भी बोलते हैं, प्रोड्यूस स्पोर रेदर देन सीड्स, ये सॉइल बिल्डर्स का भी काम करते हैं। तो ऑप्शन हम डी सही करेंगे, ऑल ऑफ द एबव। क्या सही करेंगे? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन पाइनस आर हैप्लॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन पाइनस आर हैप्लॉइड, इनमें से पाइनस की कौन सी संरचना हैप्लॉइड होती है? तो प्राय इंडो स्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, मेगा स्पोर, पॉलन ग्रेन, ये सारी की सारी संरचनाएं प्राय कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछते हैं जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म के जो इंडोस्पर्म होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछता है, इंडोस्पर्म जो होते हैं वो हरदम हैप्लॉइड होते हैं या ईयन होते हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन क्या सही करेंगे? बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रायोफाइट्स सडनली स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग पार्थिनोजेनेटिकली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंपेयर टू द पेरेंट प्लांट विल बी। तो कैसी होगी? तो देखिएगा, पार्थिनोकार्पी जो होती है, पार्थिनोकार्पी दे रहा है या पार्थिनोजेनेटिकली बोल रहा है, तो उससे जब उत्पन्न होगा तो पौधे जैसा कि प्लांट होगा, बिल्कुल प्लांट के सेम टू सेम होगा। तो ऑप्शन ये लगाएंगे ई, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है, ए जिलेटिनस कोटिंग आउटसाइड द सेल्यूलोजिक सेल वॉल द ऑब्जर्व द मेंबर बिलोंगिंग टू द ब्राउन एल्गी। जो ब्राउन एल्गी होते हैं, कहता है ब्राउन जो एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी के ऊपर कहता है सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज सेलवाल पर पाया जाता है, और सेल्यूलोज के ऊपर एक आवरण होता है, वो आवरण किसका होता है? तो वो प्रायः एल्जिन का होता है या एल्जिनिक एसिड का होता है, एल्जिन का। तो यहाँ दिया है एल्जिन, तो ऑप्शन ई का हम सही करेंगे। क्या सही करेंगे? एल्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, कहता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सवाल में होता है तो उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या रिजल्ट आएगा या क्या बनेगा? तो सिंपल सी बात है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एल्गी के जो बाद बनता है, तो जायगोट सिक्रेटिंग थिक सेलवाल, एक्चुअली बनता जायगोट है मगर उसको जायगोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, फ्यूनेरिया पजेस द यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच राइजॉइड्स, फ्यूनेरिया पजेस यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच राइजॉइड्स, मासेस अलोंग द लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू द कॉलोनीज रॉक, गैमी आर द एसेक्सुअल बर्ड्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल द गेमा कप, स्फैग्नम हैज मैग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ द रिटेनिंग वाटर। तो इनमें से कौन सा सही होगा 63 का? तो 63 का सही होगा 6, कौन सा वाला? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी हैपेंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ, कहता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है ब्राउन एल्गी, हैपेंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ, किसके कारण होता है? तो 64 का ऑप्शन होगा बाई फ्लैजलेट गैमीट पियर सेप्ड
एंड हैव टू अनइक्वल फ्लैजला। इस तरह से इसमें हमें फ्लैजला दिखाई देते हैं, एक बड़ा होता है और दूसरा फ्लैजला छोटा होता है, अनइक्वल होता है। और एक कैसा होता है, एक टिंसल होता है तो एक विप्लास फ्लैजला होता है, ये कंडीशन होती है। ईयर शेप दिया इस तरह से, इस तरह से होता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस प्लांट इज केप्ट इन डार्कनेस फॉर क्विट ए लॉन्ग टाइम विल हैव इट्स स्टाइगो यील्ड। साइकस प्लांट केप्ट इन डार्कनेस फॉर द क्विट लॉन्ग टाइम विल हैव साइगो यील्ड, उसके साइगो यील्ड पर क्या असर पड़ेगा, तो वो क्या होगा, प्राय डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। 66 नंबर पर चलते हैं, इफ द सेल्स ऑफ रूट इन वीट प्लांट हैव 42 क्रोमोसोम, इनकी रूट में क्या होता है 42 क्रोमोसोम्स है, देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ पॉलन ग्रेन्स। कहता है जो पॉलन ग्रेन्स की सेल्स है, द क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स में संख्या क्या होगी, तो देखिए वो हैप्लॉइड होते हैं, क्या होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो यहां 42 है तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 21 दूना 42, तो 66 में ऑप्शन क्या करेंगे, बी 21 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइटा, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट इन स्पोरोफाइटा किसके, तो रिक्सिया सबसे सिंपल स्पोरोफाइट पाया जाता है, रिक्सिया में सबसे सिंपल स्पोरोफाइट पाया जाता है, जो ओनली क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, जबकि मार्केंसिया में फूट, सीटा एंड कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। यही कंडीशन फ्यूनेरिया में होता है, यही कंडीशन एंथोसिरास में होता है, जबकि रिक्सिया में केवल कैप्सूल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 पे क्या कहता है, लाइक द इंजुरियस परमिक पैरासाइट सच द कस्कुटा, कस्कुटा का मतलब होता है अमर बेल, हिंदी में बोलते हैं अमर बेल, There are some parasitic form of the rhodophyta which are colorless, heterotrophic and grow on other members of the rhodophyta. Select which one is a parasitic form of red algae. तो हमें इसमें एक को सिलेक्ट करना है, तो 68 में ऑप्शन आएगा बी हर्वियल्ला, क्या आएगा हर्वियल्ला, ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और कितने क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, इन उगैमी फर्टिलाइजेशन इन ओव्यूल, देखो उगैमी क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, आइसोगैमी, आइसोगैमी एन आइसोगैमी और उगैमी, आइसोगैमी एन आइसोगैमी और ओगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है, दोनों गैमीट जो होते हैं वो सेम सेम होते हैं, एन आइसो में क्या होता है, एक गैमीट मोटाइल होता है तो दूसरा होता है तो मोटाइल मगर छोटा होता है, एक बड़ा एक छोटा। ओगैमी में क्या होता है, एक नॉन मोटाइल होता है एक मोटाइल होता है, ये इनका काम है। तो अब इसमें 69 में हम क्या सही करेंगे, तो कहता है ए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट्स, तो ये जो अभी हमने बताया गोल है नॉन मोटाइल है एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट्स और ये एक मोटाइल गैमेट है, इनका जो होगा इसे हम ओ गैमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीफ गैप इन द वैस्कुलर सिलेंडर इन द फर्न इज नोन एज, जो कहता है लीफ गैप हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, पैरेन्काइमेटस जोन, कोलेन्काइमेटस जोन, एरिया ऑफ एक्सुलिया फ्लोएम, एयर स्पेस, उसे प्राय हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसे आप पैरेन्काइमेटस जोन के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी 70 में ऑप्शन बी सही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, इसी के साथ नमस्कार।